इंदौर में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से गलत हरकत करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शिकायत पर उसके ही पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपनी ही सगी बेटी के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में गलत काम करने की कोशिश की थी। ये बात पीड़िता ने अपनी मां को बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बेटी ने अपने पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो उनसे कभी कभी अश्लील बातें करते तथा अश्लील बातों में ये बोलते हैं कि तू वैसा ही कर जैसे तेरी मम्मी मेरे साथ करती है, और मम्मी भी तेरी मेरे पास होती है, और जब तेरी मम्मी नहीं रहे तो तू मेरे पास सोया कर। इसी प्रकार कल दिनांक को भी जब उसकी प्रार्थिया की मम्मी बाहर गई थी, तो लड़की के पिता द्वारा अपने कपड़े निकाल के लड़की से मांग की गई कि तू आ जा और मेरे साथ सो जा, तथा उसके गलत नीयत से उसको हाथ लगाया तथा गलत काम करने के लिए बोला भी तथा प्रयास भी किया। उसके बाद उसने अपनी ये बात अपनी मम्मी को बताई। फिर आज दिनांक दोनों माँ बेटी थाना परदेसीपुरा में आए और उनकी रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। पिताजी का क्या बैकग्राउंड का, कुछ नशे वगैरह करता था? हाँ, पिताजी का ये बैकग्राउंड है कि वो दिन भर नशे में रहता है, और जो बच्ची है वो पढ़ाई करती है और माँ कहीं पे काम करती है। तो प्रथम दृष्टया तो या तो ये प्रतीत होता है कि नशे में पिता कर रहा है या फिर जानबूझकर कर रहा है।